झारखंड और देश विदेश के खबरों में आपका स्वागत है। चर्च में प्रवेश की नहीं मिली इजाजत, बाहर में ही जलाएं कैंडल। कोरोना संक्रमण को लेकर धार्मिक आयोजनों में भी काफी प्रभावित हुआ है। क्रिसमस के दिन जहां शहर के विभिन्न चर्चों में भीड़ होती थी, प्रभु यीशु मसीह की प्रतिमा के समक्ष कैंडल जलाने के लिए मारामारी की स्थिति रहती थी, वहीं इस बार कोरोना संक्रमण के कारण चर्चों में सन्नाटा है। सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार चर्चों में सीमित संख्या में ही लोगों को प्रवेश दिया जा रहा था। शहर के सभी छोटे बड़े चर्च में बाहर से ही ताला लगा दिया गया है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ऐसे में क्रिसमस मनाने आए विश्वासी व अन्य समाज के लोग बाहर में ही कैंडल जलाकर प्रभु यीशु की प्रार्थना करते हैं। यह खबर है जमशेदपुर से। गंभीर हालत में मिले आरपीएसएफ के एएसआई टाटा नगर स्टेशन पर हैं कार्यरत। टाटा नगर रेलवे स्टेशन में कार्यरत रेलवे पुलिस स्पेशल फोर्स के एएसआई पी हुंजुंग गुरुवार को सुबह 6 बजे रेलवे स्टेशन के पास गंभीर हालत में मिले। सूचना मिलने पर उन्हें तत्काल रेलवे अस्पताल भेजा गया है। पी हुंजुंग मूलतः मेघालय की निवासी हैं और कुछ माह पहले ही तबादला पाकर जमशेदपुर पहुंचे हैं। वे अपने परिजनों से दूर वाई माइंस बैरेक में रहते थे। अगले सप्ते से ही 8वीं-10वीं का एक साथ भरा जाएगा एग्जाम फॉर्म, जैक की तैयारी। कोविड के बाद शिक्षा विभाग की तरफ से सभी क्लास के लिए सिलेबस तैयार करने के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल अब परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। इसके तहत जैक की तरफ से 8वीं और 9वीं की मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। अगले सप्ताह 10वीं और 12वीं की मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया जाएगा। जैक की सूत्रों के माने तो अगले सप्ते से 8वीं और 10वीं की फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। 8वीं में हर साल औसतन लगभग 5 लाख छात्र फॉर्म भरते हैं। इस साल भी 5 लाख छात्रों के फॉर्म भरने की संभावना है। इस बार प्रखंड स्तर पर होगा रजिस्ट्रेशन, किसानों को होगी धान बेचने में आसानी। यह खबर है जमशेदपुर से। पिछले मौसम में धान खरीद में हुई गड़बड़ी से सबक लेते हुए इस बार प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रही है। धान खरीद शुरू होने से पहले सारे इंतजाम दुरुस्त किए जा रहे हैं। धान क्रय में बिचौलिए के वर्चस्व को तोड़ने तथा किसानों की सहूलियत के लिए इस बार प्रखंड स्तर पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जा रही है। झारखंड के सरकारी कर्मियों की प्रोन्नति पर लगाई रोक, विधानसभा की विशेष समिति की समीक्षा के बाद लिया फैसला। झारखंड सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों की प्रोन्नति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। विधानसभा की एसटी/एससी विशेष कमेटी की गुरुवार को हुई बैठक में समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया। इस फैसले से राज्य के हजारों कर्मचारी प्रभावित होंगे। कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। सभी ऊपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, विभाग अध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त और उपायुक्त को पत्र भेजकर प्रोन्नति पर तत्काल रोक लगाने को कहा है। यह खबर है साहिबगंज जिला से। झारखंड के अधिकारी कर्मचारियों उगाई में व्यस्त, बाबूलाल मरांडी बोले। भाजपा विधायक दल के बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार में अधिकारी कर्मचारी उगाही में व्यस्त हैं। यह काम वे बिना भय के कर रहे हैं। इससे लग रहा है कि वसूली की गई राशि का एक हिस्सा सरकार में बैठे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। पिछले एक साल में राज्य में विकास का कोई काम नहीं हुआ है। भाजपा अब और इंतजार नहीं करेगी और सरकार को काम करने के लिए बाध्य कर देगी। वे शुक्रवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहे। सहायक कृषि निदेशक पद पर बहाली के लिए प्रतियोगिता परीक्षा 27 से। यह खबर है रांची से। झारखंड लोक सेवा आयोग रांची द्वारा आयोजित झारखंड कृषि सेवा वर्ग 2 के सहायक कृषि निदेशक, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष के पदों पर सीधी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 27, 28, 29 और 30 दिसंबर 2020 को आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली में परीक्षा सुबह 10 बजे, पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक विभिन्न परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं और खेलों से। चीनी कंपनी को झटका, भारतीय रेलवे ने वंदे मातरम प्रोजेक्ट से उठाकर फेंका बाहर। भारतीय रेलवे ने चाइनीज कंपनी को झटका देते हुए उसे वंदे भारत ट्रेन से सेट निर्माण के लिए होने वाली नीलामी से बाहर का रास्ता दिखाया है। 44 डिब्बों को तैयार करने के लिए करीब 1800 करोड़ रुपए से इस प्रोजेक्ट में चाइनीज कंपनी के सेंटर को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। बता दें कि इस नीलामी में केवल 3 कंपनियां शामिल हुई थी। अब बीजेपी बनाएगी महागठबंधन, डीएमके निशाना होगी और इतिहास लिखा जाएगा। यूं तो पूरे देश में विपक्षी पार्टियों
बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बनाती है, लेकिन तमिलनाडु में अब की बार कुछ अलग होने जा रहा है। तमिलनाडु में बीजेपी महागठबंधन बनाने वाली है, जिसमें रजनीकांत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि वो बीजेपी के सबसे करीब माने जाते हैं। रजनी से प्रभावित होकर कई छोटे राजनीतिक दल उनके खेमे में जा रहे हैं। ऐसे में एक गठबंधन तैयार हो रहा है, जिसका बीजेपी को फायदा होगा और डीएमके के लिए उसे हराना नामुमकिन होगा। नौकरी वालों को खुशखबरी, अब मिलेगी टैक्स में छूट, होगा बड़ा ऐलान। कोरोना वायरस के कारण खुदरा व थोक विक्रेता दर में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। आम आदमी के घर में दैनिक रूप से इस्तेमाल होने वाली रोजमर्रा की वस्तुएं महंगी होती जा रही है। नौकरी पेशा लोगों की आर्थिक हालत पर तो बहुत बुरा असर देखने को मिला है, लेकिन अब नौकरी पेशा लोगों को केंद्र सरकार टैक्स छूट की सौगात दे सकती है। आगामी बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नौकरी पेशा लोगों के लिए इस छूट का ऐलान कर सकती है। कांपी आतंकियों की फौज, बरसाई जा रही है गोलियां, शुरू हुआ सेना का सबसे बड़ा एनकाउंटर। घाटी के शोपिया के कैगाम इलाके से बड़ी खबर आ रही है। जानकारी मिली है कि भारतीय सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भीषण एनकाउंटर शुरू हो गया है। ताबड़तोड़ गोलियां की आवाज से आसपास के गांव में रह रहे लोग अपने घरों में छिप गए हैं। हालांकि अभी किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है, पर हालातों को देखते हुए और कड़ाके की ठंड में लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। साथ ही कोई भी संदिग्ध चीजें होने पर खबर करने को कहा गया है। हारेगा दुश्मन चीन, भारत ने तैयार किया ये बड़ा प्लान, दुश्मन देश का होगा साथ। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ बीते कई महीने से तनाव जारी है। इस तनाव को कम करने के लिए दोनों पक्षों के बीच कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। कई बार नेताओं को पीछे हटने पर बात भी बनी, लेकिन चीन की ओर से कभी प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया। वहीं इस तनाव के बीच भारतीय सेनाएं किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। सरकार की तरफ से भी लगातार सेनाओं की ताकत में इजाफा करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर खालसा एड ने खोला किसान मॉल, किसानों को मुफ्त में मिलेगा जरूरत का सामान। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को एक महीने पूरे हो गए हैं और किसान दिल्ली की तमाम सीमाओं पर टिके हुए हैं। इस बीच दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर मौजूद किसानों की दिक्कतों को देखते हुए गैर सरकारी संगठन खालसा एड ने एक किसान मॉल की स्थापना की है। कृषि कानूनों पर राजनाथ सिंह ने सुझाया बीज का रास्ता, कहा एक दो साल लागू करके देख लिया जाए। कृषि कानूनों के विरोध और वापसी की मांग के बीच देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीज का रास्ता सुझाया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि इसे एक दो साल लागू करके देख लिया जाए। आंदोलनकारी किसानों से कृषि कानून पर चर्चा के लिए आगे आने की अपील करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि यदि किसानों को कानून लाभकारी नहीं लगते हैं तो सरकार उनमें संशोधन करेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन का हुआ शुभारंभ। कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन का नागपुर में उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवाहक भैयाजी जोशी ने किया। कोरोना वायरस के संक्रमण की परिस्थितियों में इस वर्ष अधिवेशन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विभिन्न इकाइयों के कार्यकर्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिवेशन में भाग ले रहे हैं। दिल्ली में 22 स्थानों पर हो रही इस कार्यक्रम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में DU, JNU सहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के छात्र भाग ले रहे हैं। आंदोलन कर रहे किसानों ने दिया विपक्षी पार्टियों को झटका, कहा मसले का हल PM और सरकार निकालेगी, राहुल गांधी या विपक्षी नहीं। गौरव तल है कि दिल्ली सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि सरकार कृषि से संबंधित तीनों कानूनों को वापस ले, तभी आंदोलन वापस होगा। वहीं प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश डिकैत ने कहा कि इस मसले का हल तो प्रधानमंत्री और भारत सरकार को ही निकालना है, कोई विपक्षी या राहुल गांधी को नहीं। वर्ष 2021 में दुनिया में सबसे तेजी से उभरता आर्थिक महाशक्ति होगा भारत, दुनिया की सभी एजेंसियां हुई एकमत।
विश्व बैंक से लेकर आईएमएफ और भारतीय वित्त मंत्रालय एक मुद्दे पर बिल्कुल सटीक सुर में बोल रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष पर विश्व की सबसे तेज गति से दौड़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगी। इसी बीच अब अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विश्लेषण संस्था नोमियोरा ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 में सबसे तेज यानी करीब 9.9% की जीडीपी पर दौड़ेगी, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक और सुखद संकेत है। जबकि चीन की 9 और सिंगापुर जैसे देश की जीडीपी की रफ्तार करीब 7.5% तक रह सकती है। ट्विटर पर मिहिर झा ने आखिर रवीश कुमार से क्यों पूछा, इतना दोगलापन कहां से लाते हो बे? नए कृषि कानून को लेकर पंजाब हरियाणा के कुछ किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। इन किसानों को भड़काने का काम कुछ राजनीतिक दल के साथ पक्षकार भी कर रहे हैं। कांग्रेस के करीबी पत्रकार भी आंदोलनकारी किसानों को हर तरफ से बरगला रहे हैं। एनडीटीवी के पक्षकार रवीश कुमार भी इन्हीं में शामिल है, जो रवीश कुमार का साल 2015 में किसानों के लिए नए कृषि कानून बनाए जाने का वकालत करते थे। साल 2020 में कानून आने पर इसका विरोध करने लगे। जानिए क्या है पाक के इरादे। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के नए मामले में 15 साल की सजा। मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और जमात उल दावा के प्रमुख हाफिज सईद को गुरुवार को पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी अदालत ने एक और आतंकी गतिविधि के लिए 15.5 साल की सजा सुनाई है। लाहौर के आतंकवाद रोधी न्यायालय ने सईद पर 2 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 70 वर्षीय सईद को पहले ही 4 आतंकी वित्त पोषण मामलों में 21 साल की कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर हमला, बोले ममता की वजह से बंगाल के किसानों को नहीं मिला किसान निधि योजना का लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त के तौर पर 18,000 करोड़ रुपए जारी किए। ये पैसे देश के 9 करोड़ किसान के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान अपने भाषण में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की विचारधारा ने बंगाल की बर्बादी कर दिया। केंद्रीय मंत्री के घर मातम, रविशंकर प्रसाद की मां का निधन, ट्वीट कर दी जानकारी। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री और पटना साहिब लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल उनकी मां बिमला प्रसाद का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। यह जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने ट्वीट के जरिए दी। उनकी मां के निधन से केंद्रीय मंत्री के घर में मातम का माहौल छाया हुआ है। मंडी के भाव, महंगी हुई अरहर की दाल, सोयाबीन, पामोलिन और बिनौला तेल की कीमतें में हुई सुधार। विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बृहस्पतिवार को सोयाबीन, बिनौला तथा पामोलिन तेल कीमतों में सुधार आया, जबकि अन्य तेल तिलहनों के भाव पूर्व स्तर पर बंद हुई। वहीं गुरुवार को इंदौर मंडी तुअर के भाव 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई। तुअर दाल में 100 रुपये प्रति क्विंटल महंगी बिकी। मूंग दाल 100 रुपये एवं उड़द गुड़ के भाव 100 रुपये प्रति क्विंटल कम हुए। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।